आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील प्रकाश तिवारी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और आपका हेल्थ कोच। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशाब में झाग आना। क्या आपको भी पेशाब में झाग आता है? बहुत लंबे समय से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको पेशाब में झाग आ रहा है, तो पेशाब में झाग आना किन बातों का संकेत है? क्या ये एक गंभीर बीमारी का संकेत है या फिर ये एक ऐसी बीमारी का संकेत है जिसका इलाज हो सकता है? पेशाब में झाग आना यानी प्रोटीन आने का एक संकेत हो सकता है, और इसके बारे में आज हम जानेंगे पूरी डिटेल, ए टू जेड, ईच एंड एवरीथिंग। इसके कारण, इसके उपाय और इसकी रोकथाम के बारे में आज पूरी तरह से इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रही है वो अमेरिकन किडनी फाउंडेशन और यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ वेरियस जो वर्ल्ड वाइड सोसाइटीज़ हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन, उनके जो रिसर्च पेपर है उनसे आपको दी जा रही है, तो ये बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचाई जा रही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है यूरिन में जाता है, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया, जो कि प्रोटीन पेशाब में जब जाता है तो उसे झाग बनता है। हालांकि झाग बनने के बहुत सारे कारण होते हैं पेशाब में, लेकिन जो सबसे ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है वो सीकेडी पेशेंट यानी कि किडनी फेलियर की कंडीशन में पेशाब में झाग आ सकता है। तो पेशाब में झाग आना एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है, इसीलिए उसको हल्के में ना लें। सिंपल टेस्ट से उसकी रोकथाम की जा सकती है। चलिए बात करते हैं कि जब किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी कैसे प्रोटीन को यूरिन में जाने से रोकती है। किडनी आप सबको पता है कि एक तरह से एक नेचुरल मेम्ब्रेन है, एक नेचुरल छन्नी है, जिसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके ब्लड में हैं उनको प्रिजर्व करके बचा के जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका यूरिन के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकालती है, जो आप सारी अच्छी चीज़ों को ब्लड से निकाल के वेस्ट को बाहर निकाल देती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, इसमें वो प्रोटीन को प्रिजर्व करती है और प्रोटीन को वेरियस एस्पेक्ट अगर ब्लड में मेंटेन करके रखती है। तो अगर ये किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो प्रोटीन जो है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। शुरू शुरू में जब प्रोटीन कम मात्रा में आता है तो ये पूरी तरह से क्लिनिकली साइलेंट होता है, किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन जब सिग्निफिकेंट अमाउंट में आना शुरू हो जाता है तो शरीर में लक्षण आना भी शुरू हो जाता है। प्रोटीन यूरिया को अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो वो एक ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया होता है और एक सिग्निफिकेंट या लॉन्ग टर्म प्रोटीन यूरिया होता है। ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया होता है जब आपको बुखार है, आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप हैवी एक्सरसाइजेस करके आ रहे हैं या फिर आपने कोई फास्ट रखा हुआ है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके यूरिन में आएगा जो कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा जैसे आप हाइड्रेट होंगे प्रॉपरली। इसको ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। ये कोई वरिसम कंडीशन नहीं होती है, ये कुछ सिचुएशनल कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोटीन यूरिया दो कंडीशंस में होती है, क्रॉनिक किडनी फेलियर जिसको सीकेडी डिजीज बोलते हैं या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक टोटल अलग डोमेन है जो बच्चों की बीमारी है। आज हम बात करेंगे सीकेडी में जो प्रोटीन यूरिया था उसके बारे में, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं प्रोटीन यूरिया के। अगला स्टेप है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो किडनी की डिजीज के लिए है वो है डायबिटीज, और दूसरा है हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो यानी कि ओबेसिटी हो गया, और इसके अलावा हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो गया, क्रॉनिक किडनी इंसल्ट या फिर बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें किडनी ट्यूमर्स, मल्टीपल माइलोमास हो गए या फिर इंट्रिंसिक किडनी डिजीज जो बोले जाता है सीकेडी होती है, उस कंडीशन में भी प्रोटीन पेशाब में आना शुरू हो जाता है। तो शुरू में तो जैसा मैंने बताया कि ये सिम्टम साइलेंट होता है, लेकिन जब प्रोटीन सिग्निफिकेंट अमाउंट में आता है तो आपको प्रोटीन के फंक्शन, आपको पता है कि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है, और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का फंक्शन होता है ब्लड में, वो है ब्लड की विस्कोसिटी यानी ब्लड में की गाढ़ेपन को मेंटेन करके रखना होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है शरीर में। जैसे जैसे शरीर में प्रोटीन कम होता है तो ब्लड वेसल से जो आपके पानी होता है, जो वाटर कंपोनेंट होता है, वो बाहर जाना शुरू कर देता है, तो जगह जगह पे आपको सूजन दिखेगी क्योंकि पानी जो है वो ब्लड वेसल से बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइन जो है, आपके पेशाब में झाग तो आ ही रहा है वो एक इंपॉर्टेंट साइन है, लेकिन इसके अलावा आपके चेहरे के आसपास सूजन स्टार्ट हो जाती है, आपके पैरों में सूजन स्टार्ट हो जाती है, इसके अलावा आपको दिन भर की थकान, ज़्यादा थकान जो एक जनरल सिम्टम है वो भी स्टार्ट हो जाता है, भूख लगना कम हो जाता है, ये सीकेडी के
जनरल लक्षण हैं। हाई प्रोटीन जो होता है वो कैसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको लिखेंगे? इन्वेस्टिगेशंस ये है कि सबसे पहले तो एक बेसिक टेस्ट है जिसको यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, बस ये पता लगा देता है कि यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यूरिन आरएम जिसको रूटीन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, उसके बाद अगर उसमें सिग्निफिकेंट प्रोटीन मिलता है तो जो सबसे क्लासिकल टेस्ट था वो 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करने के बाद उसमें प्रोटीन की मात्रा चेक की जाती थी, वो एक क्लासिकल टेस्ट था। आजकल जो एक्सेप्टेबल मेथड है वो है स्पॉट यूरिन क्रिएटिन रेशियो जो होता है, जिसको PCR बोलते हैं। प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो आपके रैंडम सैंपल से, यूरिन के सैंपल से पता लगाया जाता है, और अगर वो लेस देन 30 mg/dL है तो आपको बोला जाता है कि ये इनसिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया है, ये प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बट अगर ये उससे ज़्यादा है तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ प्रोटीन यूरिया को डिवाइड किया गया है, नेफ्रोटिक रेंज, सब नेफ्रोटिक रेंज, और उसके अलावा जो ये प्रोटीन यूरिया होते हैं। फिर इसके बाद आपके जो अगर कुछ जनरल कंडीशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो इन सब के टेस्ट होते हैं। आपकी किडनी की मॉर्फोलॉजी के लिए, किडनी के एनाटॉमी के लिए एक बेसिक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको KUB बोलते हैं, वो होता है। और उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट के बारे में डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ग्रेड ऑफ प्रोटीन यूरिया क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉज को ट्रीट करना, प्रोटीन यूरिया का कॉज क्या है। अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर है तो उसमें बहुत सारी दवाइयां जो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को लिए दी जाती हैं वो प्रोटीन यूरिया के लिए भी उपयोगी होती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर जो होते हैं उनको दिया जाता है, जिसको ARBs बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं, साथ ही साथ जो प्रोटीन किडनी से बाहर जा रहा है उसको भी प्रिवेंट करती हैं। तो लॉन्ग टर्म में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो उनका कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीनूरिया को रोकने के लिए। इस तरह से अगर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपको लॉन्ग टर्म किसी नेफ्रोलॉजिस्ट की, रीनल जो फिजिशियंस होते हैं, जो गुर्दे के फिजिशियंस होते हैं, उनकी देखरेख में अपना इलाज कराना होता है। क्योंकि प्रोटीन और झाग आना एक गंभीर बीमारी का संकेत होता है, और इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लगें, तुरंत ही संपर्क करें अपने किसी आसपास के फिजिशियन से। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा के आप अपने इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं, सही स्टेज पे उसका इलाज कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगती है तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार पहुँचाता रहूँगा। और साथ ही इसको शेयर करिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।